नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति। आज हम बात करेंगे ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन बहुत ही आसान योगा होता है, इसलिए इसे बिगनर्स योगा भी कहते हैं। बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बैकबोन, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको स्ट्रेंथन करता है, हाथों और पैरों के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और आप कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, सायाटिका के पेन को दूर करता है, फ्लैट फीट की जो समस्या होती है उसे दूर करता है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे भी रेगुलेट करता है। इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। आइए जानते हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन यानी कि पेड़ ताड़ के वृक्ष के समान आसन। इस आसन में हम सामान्य स्थिति में सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे और एड़ियां ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे। सांस को हम जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाते हुए और एड़ियां नीचे लाते हुए सामान्य आसन पे आ जाएंगे। इस ताड़ासन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छा योगा माना जाता है। ये नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है, बॉडी पोस्चर को और बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करता है, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, आपके बटक्स को और एब्डोमेन को टोन करता है, आपकी नीज़ एंकल्स और थाइस और आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके फेफड़ों को मजबूती देता है यानी कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हेल्दी डाइजेशन और एलिमिनेशन को एंकरेज करता है, सायाटिका के पेन को आराम देता है, फ्लैट फीट की समस्या को दूर करता है और आपके वर्टिब्रल कॉलम को स्ट्रेंथन करता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, टेंशन को और पेन्स को दूर करता है थ्रू आउट बॉडी से और आपकी बॉडी एंड माइंड को हार्मोनाइज करता है यानी कि आपके हार्मनी प्रोवाइड कराता है। ताड़ासन के प्रिकॉशंस, जो लोगों को नींद नहीं आने की समस्या होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है या फिर हेडेक होता है, उन्हें ताड़ासन योगा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और ताड़ासन में हम सामान्य तरह से भी ब्रीथ कर सकते हैं, सामान्य तरह से भी सांस ले सकते हैं। मैं ग्रीन वेजिटेबल्स लेती हूँ एंड होम टास्क खुद ही करती हूँ, डेली गार्डन आती हूँ, वॉक करती हूँ, आफ्टर फूड वॉक, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में दलिया या ओट्स, लंच में सब्जी सलाद और लस्सी और दो रोटी, शाम को फिर यहाँ घूमने आते हैं हमारे एक और नन्हे मेहमान से। मैं सुबह गार्डन आती हूँ और फिर शाम को मैं लॉन्ग टेनिस जाती हूँ। और ऐसा डाइट में आप क्या इंक्लूड करते हो जो आपको लगता है आपको हेल्दी लगता है? हेल्दी में फ्रूट्स और स्प्राउट्स। वेरी गुड, थैंक यू दक्षता। आप बताना चाहोगे? हेलो, मेरा नाम ट्विंकल है। मैं सुबह गार्डन आती हूँ और मैंने अभी स्विमिंग ज्वाइन की है संस्कृति में। मेरे को लगता है कि हमें राइस अवॉइड करने चाहिए, चॉकलेट्स, जंक फूड वी हैव टू अवॉइड एंड वी हैव टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। और मैं मॉर्निंग को उठ के चाय पी के और फ्रेश होके और आ जाता हूँ घूमने के लिए, वॉक करने के लिए और प्लस योगा करने के लिए। योगा करीब आधा पौन घंटा योगा करता हूँ और करीब आधा घंटा करीब वॉक करता हूँ, उसके बाद घर जाके और नाश्ता, मतलब पहले स्टार्टिंग में दूध पी लेता हूँ, बाद में फिर नाश्ता और चाय। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।